तो बच्चों, हम लोगों ने पिछला लेक्चर अपना ख़त्म करा था इस टॉपिक को पढ़ के थोड़ा सा, ठीक है। इनके बारे में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस के बीच को कट कर बीच में आ रही है या फिर दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है तो जो एंगल्स बनते हैं उनके बीच में रिलेशन क्या क्या होता है, वो मैंने बताया था लास्ट में आपको, ठीक है ना। तो पहले उसी को थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं, फिर हम लोग आज इस टॉपिक पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे पास कुछ इस प्रकार से फिगर बन के आ रहा था। मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं एल और एम, जिसमें से क्यू एक ट्रांसवर्सल है जो इनको कट कर रही है। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल आठ एंगल्स मिलते हैं, ठीक है ना। ये आठ एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या क्या होता है वो हमको या आज पढ़ना है या फिर हम लोग उनका रिविज़न करेंगे, ठीक है ना। तो पहले पहला होता है, देखिए, तीन दो पाँच, पाँच प्रकार के एंगल्स बनते हैं जिनको नेमिंग करी गई है इनकी, ठीक है ना। पहले होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दूसरा ऑल्टरनेट एंगल्स, तीसरा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स एंड को एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। पहला करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं? वन और सेवन। देखिए, आप देख पा, अगर आप खुद ही सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर दो पैरल लाइन्स हैं, एक ट्रांसवर्सल खींचा है, तो जिस जिस एंगल में यहाँ पे कट कर रहा होगा उसी एंगल पे यहाँ पे भी कट होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि आप देख पा रहे हो कि एक ही ट्रांसवर्सल है और दो पैरल लाइन्स को कट कर रही है, तो ये एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। इसी प्रकार से देखिए, वहाँ पे लिखा होगा दूसरे बाकी सेट्स भी ऐसे ही बनेंगे। वन और सेवन, वन इज इक्वल टू सेवन, वन जो एंगल वन है वो सेवन के इक्वल है। एंगल थ्री एंगल फाइव के इक्वल है। देखिए, एंगल थ्री एंगल फाइव, जैसे कि यहाँ पे नीचे करा था बिल्कुल सेम उसको यहाँ पे ऊपर करा है, ठीक है ना। एंगल टू इज इक्वल टू एंगल एट, एंगल टू इक्वल टू एंगल एट, एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल सिक्स, एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल सिक्स। ये थे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कुछ, ठीक। दूसरा बेटा ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स बेटा कैसे बनते हैं, इनकी पहचान होती है कि जो ये वाले जो पैरल लाइंस होती हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये पैरल लाइन है, ठीक है ना, और ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो आपको दिखेगा कि जेड फॉर्म बन रहा है, जेड बनता है शेप में इस प्रकार से, ठीक है ना। अगर कहीं पे जेड बन रहा है तो उससे जुड़े हुए जितने भी एंगल्स होंगे सारे ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला और ये वाला, देखना आप जेड के ये दो एंगल्स, ये आपके ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जैसे कि ये है, अगर जैसे कि ये वाला बता पा रहे हो आप कि ये एक एंगल इक्वल होते हैं, तो बिल्कुल सेम इसके ऑपोजिट भी होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। जेड से जुड़े हुए जितने भी एंगल्स होते हैं वो सब ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। ये आप मान लीजिए ये हो गया कुछ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं, यहाँ पर दो सेट्स हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के, कौन कौन से? फोर और एट, वन और फाइव। देख रहे हैं आप, ये दो मैंने आपको दो अभी दिखाए भी थे जो अंदर है। आप देख पा रहे हो इंटीरियर एक्सटीरियर का मतलब क्या है, यहाँ पे इंटीरियर की बात हो रही है, तो जेड के अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं, ये वाले और ये वाले, ये वाले और ये वाले, है कि नहीं, उनको बोलते हैं हम लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आते हैं अगला क्या होता है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। देखिए बेटा, ये भी जेड से रिलेटेड होते हैं, बस ये थोड़ा वो ये बाहर बनते हैं। जैसे कि थ्री और सेवन, थ्री और सेवन ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, टू और सिक्स ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। देखिए जेड से ही फॉर्म हो रहा है, जेड जेड के पास ही जब जेड बन रहा है तभी जो एंगल्स मिल रहे हैं उन्हीं से बन रहा है ना, तो इसको ये हो गया आपके ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक। अगला आता है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स आप नाम से समझ पा रहे हो, जो अंदर के एंगल्स होंगे, ठीक है, इंटीरियर वाले। फोर और फाइव, फोर कॉमा फाइव एंड वन कॉमा एट। बेटा यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों इक्वल नहीं होते, इन लोगों का जो समीशन होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। मतलब कि अगर मैं एंगल वन प्लस और एंगल एट लिखूंगा, जैसे कि यहाँ पे वन और एट का वो पेयर बनाया गया ना, तो अगर जब मैं वन प्लस एंगल एट करूँगा तो इक्वल्स में 180 डिग्री आएगा हमेशा, ठीक है ना। ये होता है सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब, आपको पता है ना, ठीक। तो उसी प्रकार जैसे वन और एट है उसी प्रकार से फोर और फाइव भी होगा, ठीक। ये हो गया आपके को इंटीरियर एंगल्स। अब आते हैं को एक्सटीरियर एंगल्स में। को एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं? एंगल थ्री और एंगल सिक्स। बाहर आप पहले हमने अंदर के लिए, अब बाहर के लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आप देखो, आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही इमेजिन कर पा रहे हो कि हाँ ये इक्वल होंगे या फिर ये इनका सप्लीमेंट्री होगा ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, आप खुद ही सोचो, एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, ये ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है ना, पैरेलल है मान लीजिए, तो ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा ही होगा। अच्छा, अगर आपको इससे नहीं क्लियर हो तो आप ऐसा ऐसा समझो कि है तो दोनों पैरेलल, मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम ही होने वाला है, तो दोनों को हटा के कोई एक लाइन लिख देते हैं, तो ठीक उसी बिल्कुल सेम उसकी सेम सेम पैरेलल है, उन्हीं एक कोई एक लाइन जो उन दोनों के पैरेलल है ड्रॉ करी बीच में हमने, ठीक है ना। अब जब देखो पैरेलल, आपको पता ही है ये वाले एंगल्स थ्री और फाइव वाले एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पता ही इक्वल होते हैं, ये वाला इक्वल होगा, है कि नहीं, इसके एंगल ये वाला इक्वल होगा, यहाँ पे तीसरी लाइन भी थी, तो ये जो होगा वो इसके इक्वल होगा, है कि नहीं। तो मतलब देखो आप, जब
फिर क्या होगा, लीनियर पेयर बनेगा। आप लीनियर पेयर से अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो ये बाकी एंगल्स इक्वल ही आने वाले हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये तो एक समझने का तरीका हो गया, आप कैसे भी समझ सकते हो। मैंने ऐसा समझा तो मैंने आपको बता दिया, ठीक। कोई कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी हाई रॉकेट साइंस नहीं लग रही है आपको, दिख रहा है सामने सामने जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप चाहो तो उसके प्रूविंग में ना ही जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला प्रूविंग से, ठीक है ना। सीधे क्वेश्चन से हम लोग जब इंप्लीमेंट करेंगे इनको, तब तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। अगला है बेटा मेरा, कोसीनियर एंगल्स थे 3.6, मतलब 3.6 और 2.7, 2.7 ये आपके एक्सटीरियर एंगल्स है, और इनका सम भी सप्लीमेंट्री होता है, मतलब ये एंगल्स भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने हैं इन टॉपिक्स पर, इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो बच्चों ये एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से आपको शायद और रिलेशन समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है मेरे को कि अगर इफ़ एंगल 2 इज 50 डिग्री, एंड फाइंड रेस्ट रिमेनिंग एंगल्स। अगर हमको जैसे यहाँ पे फिगर दिया गया हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से एंगल्स दिए गए हमको, ठीक है। हमको अगर बताया गया कि एंगल 2 हमारा 50 डिग्री है, तो बाकी जो बचे, बाकी जो 7 एंगल्स बचे हैं, उन एंगल्स की मेजरमेंट कितनी होगी, ठीक है ना। तो देखिए पहली से, हाँ ये बता दें आपको, यहाँ पे ये जो L और M है ये पैरेलल हैं, और ये Q आपका ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। L L पैरेलल टू M है, ठीक है ना, एंड Q ट्रांसवर्सल है। ठीक, तो देखो अभी आपने कुछ एंगल्स के रिलेशन भी पढ़े हैं, ठीक। तो पहली चीज़ है, हमको 2 पता है, पहले जब हमको 2 पता है तो हमको 3 भी पता है। कैसे बेटा, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए, मतलब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो गई होगा। क्यों होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, हम लोग को पता है, ठीक। अब देखो एंगल 2 किसके किसके इक्वल हो सकता है। एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 5 के भी इक्वल होगा। क्यों होगा? ये शायद कौन से होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक एंगल पता है तो आप ज़्यादातर एंगल्स निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब देखो आपको 2 पता है तो आप एक तरीके से 4 भी बता सकते हो वहीं 2 के हेल्प से। कैसे? आपको पता है लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, है कि नहीं। तो पहले तो देखो, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 था, तो कितना हो जाएगा, एंगल 3 भी हमारा 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। एंगल 5 भी हमारा 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक। आप देखो एंगल 3 और एंगल 7 एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये भी हैं, लिख देते हैं यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये था, और ये था हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना। और अब क्या देखो, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 होगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। बेटा नेमिंग हो सकती है, शायद आप नेमिंग बन जाना कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 हमेशा ही होगा, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे एंगल्स देखोगे आप उस प्रकार से बन, क्योंकि नेमिंग तो कोई भी कैसे भी दे सकता है ना, इसलिए बता रहा हूँ। ये देखिए 3 इक्वल्स टू एंगल 7 होगा यहाँ पे, कौन से, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक। तो कितना हो गया, ये भी 50 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। हमको कौन से 1, 2, 3, 4, 5, 6 पता चल गए हैं, हमको 2 और पता करने, टोटल 8 एंगल होते हैं। देखो अब एंगल 6 हमको पता है, सॉरी एंगल 7 हमको पता है, तो एंगल 5 भी पता होगा हमको, ठीक, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 5 कितना हो गया, 50 डिग्री, ठीक। क्यों? और वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब देखो यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स का यूज़ कैसे करेंगे। देखो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 होगा, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स। आप देख, आप ये प्रूव भी कर सकते हो कैसे। देखो यहाँ पे एंगल 3 एंगल 5 दोनों 50 डिग्री है ना। देखो अब कितना सिंपल है, आपको ज़्यादा सॉल्व ही नहीं करना पड़ा है। अगर आपको एक पता है, एक एंगल पता है, तो बिना किसी कैलकुलेशन के आप बाकी एंगल्स निकाल पा रहे हो, ठीक है ना। क्यों? उनकी रिलेशंस की वजह से, ठीक। तो कितने बजे चल गए, 1, 2, 3, 4, 5, अच्छा वो डबल गिन लिया था क्या हमने। अभी हमको बाकी बचा, तो अब आएंगे सप्लीमेंट्री का यूज़ करेंगे हम लोग, सप्लीमेंट्री एंगल्स का यूज़ करेंगे। कैसे? एंगल 3 प्लस एंगल 6 करेंगे हम लोग, तो उससे यहाँ पे क्या, यहाँ उससे हमको एंगल 6 पता चल जाएगा उससे। कैसे? या तो एंगल 3 प्लस 6 क्यों करना, फिर से 6 और 7 को ऐड कर देते हैं, ये भी तो लीनियर पेयर है। तो अगर मैं एंगल 6 प्लस एंगल 7 करूँगा तो इक्वल्स में 180 डिग्री आएगा। क्यों? बेटा ये लीनियर पेयर है इसलिए, है ना। तो यहाँ से आप एंगल 6 की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि एंगल 7 आपको पता है 50 है, 180 में से 5 गया कितना बचेगा, मतलब 180 से 50 गया कितना बचेगा, बचेगा 130। तो एंगल 6 की मेजरमेंट कितनी हो गई, 130। अगर एंगल 6 की 130 है तो एंगल 8 की भी 130 ही होगी,
ठीक है ना। तो इस प्रकार से सारे एंगल्स निकल आए मेरे पास। कैसे? देखो एंगल टू कितना था, 50 था, ठीक। तो एंगल थ्री भी 50 होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से आप चाह बोल सकते हो यहाँ पे एंगल सिक्स इक्वल्स टू एंगल फोर भी होगा, ठीक है ना। ऑल्टरनेट एंगल्स तो ये कितना 130 हो गया। अगर ये 130 है तो ये भी 130 होगा, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है कि नहीं। अब देखो ये एंगल टू इक्वल्स टू एंगल फाइव होगा, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। तो एंगल फाइव 50 डिग्री हो गया। अगर फाइव 50 है तो सेवन भी 50 ही होगा, क्यों बेटा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो देखा आपने, सिर्फ एक एंगल्स की मदद की, एक एंगल की मदद की वजह से आपने सारे एंगल्स निकाल दिए बिना किसी कैलकुलेशन के, ठीक। इसलिए ये रेशियो हम लोग पढ़ते हैं। तो चाहो तो आप इसको नोट करो, या अगर कुछ नोट करने के लिए आपको लग रहा हो तो फिर, वरना हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों ये आपका अगला सवाल, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बेटा बोल रहा है हम लोगों को, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमको यहाँ पे पहले हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक। और हमको बताना भी है कि ए बी और सी डी दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक। तो बेटा देखो पहली चीज़, आप कहोगे सर हमको एंगल पता ही है, हम निकाल देते हैं सारे एंगल जैसे अपने पहले निकाला था पिछले क्वेश्चन में। तो मैं बोलूँगा नहीं बेटा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको शो करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब ए बी सी डी के पैरेलल नहीं है, हमको शो करना है ये चीज़, ठीक है ना। मतलब हमको प्रूफ करना पड़ेगा, इसका मतलब हमको गिवन नहीं है कि ए बी पैरेलल सी डी है। और आपको पता है वो जो एंगल्स का जो रिलेशन मैंने बताया था आपको, उसके लिए कंडीशन ये थी कि लाइंस को पैरेलल होना चाहिए और फिर ट्रांसवर्सल काटेगा तब वो एंगल्स के रिलेशन बनेंगे। तो यहाँ पे जब हमको ये गिवन ही नहीं है कि ए बी और सी डी पैरेलल है, तो उसका यूज़ हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग आम चीज़ें जो हम लोग उससे पहले पढ़े थे, लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का यूज़ करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो जैसे कि आपको पता है, अगर मैं इस लाइन को क्यू नाम दे दूँ, क्यू दे दिया नाम इसको, ठीक है ना। तो देखो क्यू ए बी को कट कर रहा है, ठीक है, वो एक ट्रांसवर्सल की तरफ है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल, मतलब 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री बन जाएगा, क्यों? बेटा लीनियर पेयर की वजह से, है कि नहीं। तो एंगल तो 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, क्यों? बेटा लीनियर पेयर की वजह से, ठीक है ना, लीनियर पेयर, है ना। तो यहाँ से अब एक्स की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी बेटा 130, अरे सॉरी 130 डिग्री, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू 130 आ गई। अब देखो बेटा यहाँ पे आते हैं वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा सिंपल है, कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का यूज़ करके, ठीक है ना। वाई इज इक्वल टू बेटा 130 डिग्री हो जाएगा, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के हमेशा इक्वल होते हैं, ये लोग पढ़ चुके हैं, है ना। आप इतना लिख दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो इतना यहाँ से आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो x और y की वैल्यू इक्वल आ रही है कि नहीं, ठीक। जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर पैरेलल लाइंस हैं, वहाँ से अगर कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ठीक है ना, तो ये जो एंगल्स हैं ये इक्वल होते हैं, क्यों बेटा? ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो बिल्कुल इसी का वो उल्टा यूज़ करने वाले हैं। हम लोग क्या पढ़ते थे कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो ये जो एंगल्स होंगे इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका उल्टा क्या होगा कि अगर ये एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, अगर ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, मतलब कि दोनों अगर इक्वल हैं, तो जो लाइंस जिनको जिनसे ये बन रहा है एंगल, वो लाइंस उसके पैरेलल होंगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कि जब हमारे एंगल्स इक्वल हैं, हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, तो वो चीज़ तभी हो सकती है जब हमारे जिन लाइनों से वो एंगल्स बन रहे हैं वो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हों, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू हमने निकाल दी यहाँ से, और जब एक्स और वाई की वैल्यू सेम आ रही है, इससे हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। यहाँ लिखेंगे हम लोग Since x and y are equal, ठीक, thus this can be only possible, this can be only possible if AB is parallel to CD, ठीक है ना। तो इससे हमने ये भी साबित कर दिया कि ए बी सी डी के पैरेलल है, और एक्स और वाई की वैल्यू भी निकाल दी। जल्दी इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो बच्चों ये आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन है बेटा, इन फिगर एम इज पैरेलल टू एन, एम एन से पैरेलल है, एंड वन एंड टू आर इन रेशियो, एंगल वन और टू का रेशियो दिया गया 3:2। तो हमको बाकी के सारे एंगल्स की मेजरमेंट निकाल के बतानी है, ठीक है ना। तो पहले मान लेते हैं, जब हमको वन एंड टू का रेशियो दिया गया है, एंगल वन एंड टू का रेशियो कितना दिया गया, 3:2। तो रेशियो को मान लेते हैं 3x और 2x, ठीक है ना। लेट द एंगल्स बी 3x एंड 2x, ठीक।
अब आपको पता ही है, काफ़ी सिंपल है वैसे सवाल, जो जो मैं सबसे पहला वाला क्वेश्चन करा था उसी प्रकार से वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। 1:2 का दिया गया, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, सॉरी 1 एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है ना। एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6, यही लिख देता हूँ, एंगल 6, ठीक है ना। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5, ठीक। अब एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6 हो गई, हाँ मान लिया मैंने। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंगल्स कौन से बच रहे हैं, 7 और 8 बच रहा है ना, 7 और 8 बच रहा है। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 होगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 होगा, ठीक है ना। और एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 होगा, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 होगा, ठीक है ना। आप बेटा हमने कैसे लिख दिया जल्दी जल्दी, क्योंकि हमने हमको पता है एंगल्स की एंगल्स के बीच रिलेशन कैसा होता है, ठीक है ना। हमने एक ही में लिख दिया है, अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे तो आप एक एक करके अलग अलग करके लिखो, ठीक है ना। ये सारे एंगल्स हैं यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर इंटीरियर, सारे हमने एक साथ लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो आप देखो एंगल 1 की मेजरमेंट कितनी दी गई थी, 3x दी गई थी, ठीक है ना। एंगल 2 की दी गई थी हमको 2x, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होने वाले हैं। कैसे देखो, अब मैं बताता हूँ कैसे। एंगल 1 इक्वल्स एंगल 3, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक। इक्वल्स एंगल 5, 3 और 5 हो जाएंगे इक्वल कि नहीं हो जाएंगे, या कैसे, ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से। और 5 इक्वल टू 7 कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के, ठीक है ना। आप देखो इधर आते हैं, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 कैसे हो गया बेटा, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की वजह से। 4 इक्वल टू 6 कैसे हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से। 6 इक्वल टू 8 कैसे हो गया बेटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की वजह से, ठीक। तो यहाँ से सारे एंगल्स हमको पता चल गया, 8 के 8, ठीक। अब देखो हमको सबकी सबका रेशियो निकालना है ना, तो काम करते हैं। अब देखो क्या होगा, हमको एक चीज़ और पता है क्या, लीनियर पेयर वाली बात है ना, तो आप इसी का यूज़ करो। 1, 1 और 2, एंगल 1 प्लस 2 एंगल करेंगे, जब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों बेटा, ये लीनियर पेयर की वजह से। ये शायद मैंने उल्टा कर दिया, आप चाहो तो पहले 1 और 2 पहले इसको करना, 1 प्लस 2 इक्वल्स 180 करके एक्स की वैल्यू निकालना, और फिर इक्वल्स में यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख देना, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आएगा 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 180 - 5, ठीक है ना। कितना आ गया, 5 × 15 बचा 5 × 30, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल्स टू आ गया 36 डिग्री। अब क्या करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल्स x की वैल्यू 36 है तो 3 × 36, ठीक है ना, और ये 2 × 36, तो एंगल 1, 3, 5, 7 की मेजरमेंट आएगी 3 × 36, 2, 4, 6, 8 की मेजरमेंट आएगी 2 × 36। काफ़ी सिंपल था, है कि नहीं। तो चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये है आपका अगला क्वेश्चन, देखते हो क्या बोलते हैं, वो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज पैरेलल टू डी क्यू, ई एफ इज पैरेलल टू डी क्यू, डिटरमाइन पी डी क्यू ए ई डी एंड डी ई एफ। पी डी क्यू मतलब हमको ये वाला एंगल बताना है, ए ई डी, ए ई डी ये वाला एंगल बताना है, DEF ये वाला एंगल बताना है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, फिर क्वेश्चन कैसा बोल रहा है। देखो पहली चीज, AB is parallel to CD, ठीक है ना। AB is parallel to CD मतलब कि अगर ये मेरे पास लाइंस हैं इस प्रकार से, ठीक है ना, अगर ये मैं CD है, ठीक, कुछ बता रहा हूँ खाली, इसको अगर एक्सटेंड कर दो, एक समझाने के लिए बता रहा है। ये अगर AB है तो आपको पता था ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना। तो उसी प्रकार से ये 34 है तो ये भी 34 होगा, ठीक। तो इससे हमको एक एंगल तो पता चल गया, कौन सा वाला, ए ई डी वाला। तो ये कितना होगा, ये होगा बेटा 34 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल पी डी सी इज इक्वल्स टू एंगल क्या, ए ई डी ना, ए ई डी निकालना, तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं सी डी पी, एंगल सी डी पी इज इक्वल टू एंगल ए ई डी, ठीक है ना। अब इक्वल्स टू कितना कितना बेटा, 34 डिग्री है, ठीक। अब देखो आपको पता है किसी एक लाइन पे बनने वाले सारे एंगल्स लीनियर पेयर होते हैं, ठीक है, उनका सम इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 34 प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 78 इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ से हम लोग एंगल पी ई एफ की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है ना, सॉरी डी ई एफ या पी ई एफ बात एक ही है, ठीक। अब देखो नाउ क्या होगा, हम लोग एंगल ए ई डी प्लस एंगल डी ई एफ प्लस एंगल एफ बी एफ ई बी इक्वल्स टू बेटा 180 डिग्री। क्यों,
क्योंकि सारे एक दूसरे के लीनियर पेयर हैं, ठीक है ना, एक ही लाइन पे ये लोग गिर रहे हैं, इसलिए लोग इनका सम 180 डिग्री होने वाला है। ठीक, तो देखो ए ई डी की वैल्यू कितनी है, 34। ठीक, डी ई एफ की वैल्यू कितनी है, पता नहीं, हमको निकालनी है, ठीक है ना। एफ ई बी की वैल्यू कितनी है, 78, 78 दी गई है, इक्वल्स में 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से डी ई एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो एंगल डी ई एफ इक्वल्स में 180 माइनस 8 4 12 81, 7 3 10 11 112, ठीक ना। तो यहाँ से कितना आएगा, 10 - 2 दैट इज 8, 7 - 1 दैट इज 6, 68 डिग्री। तो एंगल डी ई एफ कितना आ गया, 68 डिग्री, ठीक है ना, ये कितना आ गया, डी ई एफ आ गया 68 डिग्री। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो बच्चा, हमको बताया गया है ई एफ इज पैरेलल टू डी क्यू, ई एफ इज पैरेलल टू डी क्यू, फिर से वही सेम चीज़, अगर ये ई एफ इज पैरेलल टू डी क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर ये 68 डिग्री है तो ये भी तो 68 डिग्री होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली ले सकते हो यहाँ पे क्या, कि एंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू एंगल पी डी क्यू, पी डी क्यू कितना, 68 डिग्री, क्यों बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। ठीक, काफ़ी सिंपल सवाल था एंगल्स, आप देखो बेटा एंगल्स के बीच के रिलेशन जानने की वजह से आप कितने सारी चीज़ें बिना कैलकुलेशन के निकाल पा रहे हो, ठीक है ना, ये होता है टाइम बचाना। ठीक, इसी चीज़ का आप लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। देखो बच्चा, आप इस चैप्टर के जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन खुद करना पड़ता है अपनी सहूलियत के लिए या अपने आंसर को निकालने के लिए, ठीक है ना। तो आप जितना हो सके इस चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है ना। तो चलो उसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, ये आपके सामने दो क्वेश्चंस रखे हैं मैंने, ठीक है ना, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं धीरे धीरे करके, काफ़ी छोटे क्वेश्चन हैं इसलिए दो एक साथ कर रहे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको कुछ लिखा हुआ नहीं है, आपके पास एक फिगर दिया गया है, ठीक है ना, आपको बताना है कि इन एंगल्स, आपको फिगर दिया गया है, कुछ एंगल्स की मेजरमेंट दी गई है, ठीक है ना, आपको बताना है, बताओ इनमें से कौन कौन सी लाइनें पैरेलल हैं दूसरे के, ठीक है ना। तो अगर आपको एंगल्स के बीच में रिलेशन पता है तो आप ये आराम से बता सकते हो, जैसे कि देखो साफ साफ दिख रहा है कि एंगल यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, तो कोई भी एंगल्स, ये ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल कब होते हैं, जब ये 100 है और ये भी 100 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं। तो बस हम लोग बोलेंगे, यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि डी ई इज़ पैरेलल टू बेटा ये वाली लाइन, कौन सी है, ये ए सी। क्यों है बच्चा, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। क्यों बेटा, ऑल्टरनेट एंगल्स तभी बनते हैं जब हमारे पास कोई पैरेलल लाइन का पेयर होता है, ठीक है ना। तो ये लाइन दूसरे के पैरेलल हो गई, ठीक है। अब बेटा एक और चीज़ ध्यान से देख, अगर देखोगे आप तो ये देखोगे कि ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है ना, तो ये जो ये वाला एंगल, एंगल 100 और ये वाला एंगल मिला के लीनियर पेयर बनाएंगे, मतलब कि 100 और प्लस ये वाला एंगल, अगर मैं इसको एक्स नाम दे दूँ तो 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू बेटा 180 डिग्री होगा, है कि नहीं। यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू आएगी 80 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 80 डिग्री हो गया। तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे 80 डिग्री है, यहाँ पे भी 80 डिग्री है, और इसके ऑपोजिट में यहाँ पे भी 80 डिग्री है। फिर वही चीज़ ऑल्टरनेट का केस हो गया। तो जब ये वाले एंगल्स कब इक्वल होंगे, जब ये दो लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे, इसका मतलब विच इम्प्लाइज क्या, ई सी, ई सी इज पैरेलल टू बी ए। क्यों बेटा, वही सिमिलर ऑल्टरनेट एंगल्स, और आप दिखा देना यहाँ पे कौन कौन से एंगल की बात हो रही है, ये वाला एंगल की बात हो रही है, एंगल बी ए सी, ठीक है ना, मतलब कि ऑल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ए सी, और इधर अगर मैं नाम दे दूँ जेड नाम दे देता हूँ, ठीक है ना, बी ए सी जेड, ए सी जेड, ठीक है ना। ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स के पेयर, और इनके वजह से ये दो लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी सिंपल सवाल था, खाली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ लिखना तो था नहीं इसमें। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई, ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई, ठीक है ना। प्रूव दैट ए बी सी प्लस बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस सी डी ई। ए बी सी प्लस बी सी डी, ए बी सी मतलब ये वाला एंगल प्लस बी सी डी, बी सी डी मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों को जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो उसका समीशन जो आ रहा है वो आ रहा है 180 डिग्री प्लस एंगल सी डी ई, ये वाला, ठीक है ना, ये प्रूफ करना है। तो ना काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये,
एक का आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा प्लस क्या कि ड्रॉ सी एफ, ठीक है ना, ड्रॉ सी एफ सच दैट इट इज पैरेलल टू ए बी एन डी ई, मतलब ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू डी ई, ठीक, ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बाकी आप बहुत आसानी से कर लोगे। आप कैसे, देखो यहाँ पे जब ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो ये एंगल, मतलब अगर ये ऐसा डार्क कर देते हैं इसको, ठीक है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, है कि नहीं। तो यहाँ से हमको पता चलेगा, नाम दे देते हैं, चलो यहाँ पे एंगल वन दे देते हैं, यहाँ पे एंगल टू दे देते हैं, ठीक है ना, लिखना ही पड़ेगा ज़्यादा। देखो यहाँ से पता चलेगा एंगल वन प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों बेटा, ये एक दूसरे के वो सप्लीमेंट एंगल्स होंगे, को इंटीरियर एंगल्स हैं ना, ये लोग को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है ना, तो इसलिए इनका सप्लीमेंट होता है, आपको पता है ये चीज़, ठीक, को इंटीरियर एंगल्स। अब देखो ये हो गया इक्वेशन वन, ये हो गया इक्वेशन वन, इधर आते हैं, जब सी एफ जो है वो डी ई के पैरेलल है तो ये वाला एंगल एंगल टू के बराबर होगा, क्यों, ऑल्टर्नेट एंगल्स की वजह से, ठीक है ना, एंगल टू इज इक्वल टू बेटा एंगल सी डी ई, क्यों, ऑल्टर्नेट एंगल्स की वजह से, ठीक है ना, ऑल्टर्नेट एंगल्स की वजह से। ये होगी इक्वेशन आपकी टू। अब देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमको एडिंग वन एंड टू करना है। जब मैं एडिंग वन एंड टू करूँगा तो LHS को LHS में जोड़ेंगे और RHS को RHS में जोड़ेंगे। LHS में यहाँ पर क्या है, LHS में यहाँ पर इतना है और यहाँ पर एंगल टू है खाली, तो यहाँ से बन के आएगा एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बेटा 180 प्लस सी डी ई, 180 डिग्री प्लस सी डी ई, ठीक है ना। तो हाँ, तो देखो आपको समझ में आ गया होगा, RHS मेरा मिल गया 180 प्लस सी डी, ए बी सी प्लस बी सी डी बनाना है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। एंगल वन प्लस एंगल टू, एंगल वन प्लस एंगल टू कितना है, बी सी डी, तो वन प्लस एंगल वन प्लस एंगल टू की जगह लिख सकते हैं हम लोग बी सी डी, बी सी डी, यही हमको प्रूफ करना था। कैसे, एंगल बी सी डी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस सी डी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस सी डी ई, यही प्रूफ करना था। इस तरीके से आपका सवाल वाला होता है समाप्त। तो बेटा ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस, आज का लेक्चर मैं यही खत्म कर रहा हूँ, ठीक है ना। इनको आप इस चैप्टर के इस टॉपिक से रिलेटेड जितना ज़्यादा हो सकता है उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, क्योंकि हमने आपको बताया कि क्वेश्चंस में कंस्ट्रक्शन कभी कभी खुद करना पड़ता है आपको, जैसा कि हमने यहाँ पर करा इस प्रकार से, ठीक। तो ये आपको सोच आनी चाहिए आपके अंदर कि कब कैसा कंस्ट्रक्शन हमको करना है कि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस और ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, ख्याल रखो अपना, और क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लगाओ, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, बाय।